गुड इवनिंग। सब सही हो आप गुड लोग? इवनिंग सर। सब बढ़िया, हालचाल ठीक है आप लोगों का? गुड यस इवनिंग। सर। सर अभी तक तो हाँ अभी तक सही है, आगे भी ठीक ही रहेगा यार, बस घर से बाहर वाहर मत निकलो, घर में रहो। नहीं देखो, बहुत लोगों की तो मजबूरी है, उनको घर से बाहर निकलना है। हमारे पास अगर कोई मजबूरी है नहीं, ऐसी मजबूरी नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि घर पे रह के भी आपका काम हो सकता है, मुझे भी मिली है। इनफैक्ट मैं फालतू में क्यों बाहर घूमू? नहीं, उनकी मजबूरी है, जॉब है, ये है, वो है, वो बाहर जाना सही है। हमें जब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको फेस नहीं करना चाहिए अनिश्चित गलत है ना। तो चलो, तो आज जो आपको पढ़ना है ना, लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है। इसको मैंने एकदम सेपरेट कर दिया है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। मोस्टली मैंने एफ स्कूल टू एमए के बहुत सारी चीजें डिस्कस की, फिर फ्रिक्शन पे डिस्कस किया, लेकिन मैंने इम्पल्स एंड मोमेंटम के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं की ना। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक आपको पढ़ना है, विल हैव टू स्टडी द इम्पल्स मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। विल हैव टू स्टडी द इम्पल्स मोमेंटम ना एंड इट्स कंजर्वेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। इम्पल्स मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। हाँ, दिस विल डिस्कस। हाँ, तो देखो, एक जब अब तक जो हम बात करते थे ना, कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी एक्सलेट होती है। हाँ, तो एक्चुअली फोर्स की दो कैटेगरी होती है। यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें, तो सब लोग माइक म्यूट करके रखो। हाँ, एक्चुअली फोर्स की दो कैटेगरी होती है। एक तो जो फोर्स होता है, वी कॉल इट एज इंपल्सिव फोर्स। एक्सक्यूज मी, हाँ, एक तरफ का जो फोर्स होता है, दिस इज सिंपली नोन एज ए इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स। एंड दूसरा जो फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव। हाँ, दो तरह के फोर्स के हम यूज की मैकेनिक्स में आता है। एक तो आपका आ गया इंपल्सिव फोर्स, दूसरा गया आपका नॉन इंपल्सिव। इंपल्सिव फोर्स का मतलब ये होता है, इंपल्सिव फोर्स में लार्ज फोर्स राइट एक्ट फॉर राइट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम और स्मॉल ड्यूरेशन। जब भी कोई लार्ज फोर्स स्मॉल ड्यूरेशन के एक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। भाई, कोलिजन में जो फोर्स रहेगा वो इंपल्सिव नेचर का होगा ना। जब भी दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, एक लार्ज फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाती है, फिर सेपरेट हो जाती है। तो लार्ज फोर्स एक्ट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, ही जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इंपल्सिव होता है। कोलिजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इंपल्सिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो कि किसी एक्सप्लोजन में एक्ट कर रहा है, जब कोई चीज एक्सप्लोड होती है तो एक्सप्लोजन में जो फोर्स होता है उसका भी नेचर कैसा होता है, इंपल्सिव होता है। कोई हैमर का ब्लो है, किसी चीज के ऊपर अगर हम हैमर मार रहे हैं, या जो हैमर का ब्लो होगा ये भी कौन सा फोर्स हो जाएगा, जो कि आपका इंपल्सिव। कोलिजन में जो फोर्स लग रहा है, एक्सप्लोजन के टाइम जो फोर्स लगता है, और जो हैमर ब्लो में फोर्स होता है ना, इन तीनों का जो नेचर होता है वो क्या होता है, जो कि आपका इंपल्सिव। लार्ज अमाउंट का फोर्स रहेगा और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे आपका जाएगा नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो नॉन इंपल्सिव फोर्स जो होता है ना, ये कम होता है और कांस्टेंट रहता है। हाँ कि भाई, नॉन इंपल्सिव फोर्स जो होता है, स्मॉल कांस्टेंट फोर्स, स्मॉल कांस्टेंट फोर्स है ना। लाइक वेट, किसी बॉडी का जो वेट लग रहा है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, और कांस्टेंटली लगता रहेगा। तो ये जो फोर्स होगा इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये आपका नॉन इंपल्सिव। तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना, हम नॉन इंपल्सिव फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, कि भाई ऐसा नहीं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाना है, बल्कि कंटिन्यूअसली फोर्स लगना,
इसी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स क्या कर रहा था, जैसे कि आपको एक्ट कर रहा था। तो अब तक जो हम डिस्कस करते थे, आप ये बोलते थे अगर ये कोई इस तरह से ब्लॉक है एम मास का, तो आपको इसमें एक वेट लग जाएगा है ना, और ऊपर की तरफ एक क्या लग जाएगा, जैसे कि आपका नॉर्मल नॉर्मल वेट को क्या करेगा, बैलेंस। और यहाँ पे अगर हम कोई फोर्स, पुशिंग फोर्स लगाए हैं है ना, तो जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये अगर हमेशा लगता रहे कॉन्स्टेंट, ये ब्लॉक को मैंने कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया, तो ये बॉडी एक्सलेट होगी। और जब बॉडी एक्सलेट होगी तो फोर्स की वैल्यू आपने लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो करते थे हम। तो भाई आपने कंटिन्यूअसली अगर पुशिंग कोई फोर्स लगाया है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। तो ये हम जो बात कर रहे हैं, ये जो केस है ये नॉन इम्पल्सिव का केस, जो भी फोर्स लग रहा है वो लॉर्ड कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है ना, भाई जो भी इसमें फोर्स एक्ट कर रहे हैं सारे का नेचर कैसा है, नॉन इम्पल्सिव है, वेट लग रहा है तो लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है तो लग रहा है, जो पुशिंग फोर्स भी लगा रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली हम लगा रहे हैं। तो जब हम नॉन इम्पल्सिव फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सलेट होती है, और एफ की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी में अगर मैं बात करूं कि मैं इसके ऊपर अगर कोई इम्पल्सिव फोर्स लगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपका इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स का मतलब ये हो गया कि सेम ब्लॉक कैसे एक्ट हो एनीबॉडी, नहीं तो फिर मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से अगर माइक किसी का म्यूट पर। एम मास हो गया तो यहाँ पे वेट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक नॉर्मल आ गया। और हम क्या करते हैं, जैसे बिलियर्ड की बॉल को हिट करते हैं किसी क्यू से, वैसे मैंने इसको हिट किया, भाई फोर्स से हिट किया मैंने और हिट करके फोर्स हटा दी, कंटिन्यूसली फोर्स नहीं लगा, भाई अचानक से हम कंटिन्यूसली फोर्स नहीं कर रहे हैं बल्कि अचानक से फोर्स लगा हटा दी। तो जब कंटिन्यूसली पुश करते हैं तो वो जो फोर्स होता है वो नॉन इम्पल्सिव होता है, जो कि बॉडी को एक्सलेट करता है। जब इम्पल्सिव फोर्स होगा उसका मतलब हो जाएगा शॉर्ट पिचिंग किया पे लगाया, कि अचानक से स्टिक से इसको मारो और छोड़ दिया। तो जब हम इम्पल्सिव फोर्स लगाते हैं ना, तो इम्पल्सिव फोर्स चेंजेस द मोमेंट, नॉन इम्पल्सिव फोर्स तो बॉडी को कंटिन्यूसली एक्सलेट करता रहेगा। जो आपके इम्पल्सिव फोर्स है, यहाँ पे सिंपल सी चीज आती है कि इम्पल्सिव फोर्स राइट चेंजेस मोमेंटम है ना, इम्पल्सिव फोर्स जो होता है किस चीज को चेंज करता है, मोमेंटम। तो भाई नॉन इम्पल्सिव फोर्स के बारे में तो अभी तक हम बात कर ही रहे थे, एफ इक्वल टू एम होता है। नॉन इम्पल्सिव फोर्स को और क्या बोलते हैं, नॉन इम्पल्सिव फोर्स जो फोर्स कांस्टेंट लगता रहे। नहीं सर, सर जैसे नॉन सर जैसे नॉन इम्पैक्ट फोर्स को सी बोलते हैं, स्टडी फोर्स बोल सकते हैं इसे, कि भाई जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है दिस आल्सो कैन बी नेम एज ए स्टडी फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स। आपने इम्पल्सिव के साइड में क्या लिखा है, क्या चीज सर, आपने इम्पल्सिव के साइड में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, खाली इम्पल्सिव लिखा है। यहाँ पे इम्पल्सिव का एग्जांपल, ये आपने क्या किया कि भाई अचानक से आपने इसको फोर्स से हिट किया और फोर्स हटा दिया, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे, तो इम्पल्सिव फोर्स जो चेंज करता है ना, चेंजेस मोमेंटम, ये चेंजेस इम्पल्सिव फोर्स किसको चेंज करेगा, मोमेंटम। कि मतलब पहले ये बॉडी रेस्ट पे थी, जैसे आप क्यू से हिट करोगे इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी अचानक से, कि पहले रेस्ट पे था जैसे आपने हिट किया इसकी वेलोसिटी अचानक से भी होगी, तो हम बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स जो होगा ये किस चीज को चेंज कर देगा, वैसे कि आपकी मोमेंटम। और मोमेंटम हम जानते हैं कि जब भी हम बात करेंगे किसी बॉडी के मोमेंटम की, तो मोमेंटम इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं वैसे कि आपके मोमेंटम की, तो मोमेंटम भी जो है वो क्वांटिटी कौन सी है, वैसे कि आपकी वेक्टर है ना। कि अगर हम मोमेंटम वर्ड यूज करें तो हम जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू जो होता है ये मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो जैसे स्टडी फोर्स या नॉन इम्पल्सिव फोर्स लगाए तो बॉडी एक्सलेट होती है, हमें वैसे ही जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है, चाहे वो कोलिजन हो, एक्सप्लोजन हो, या किसी चीज से हम किसी चीज को हिट करें, वो हमेशा इसके मोमेंटम को चेंज करता है। मतलब पहले इसका जो मोमेंटम था वो पहले आपका जीरो था जब ये रेस्ट पे थी, अब इसका मोमेंटम जीरो से एम भी हो। जैसे आपने स्टिक से इसको हिट किया ना, तो एक लार्ज फोर्स को शॉर्ट इंटरवल के लिए लगाया, इसकी m मास की वेलोसिटी इसकी भी, तो जीरो से इसका मोमेंटम कितना हो गया, सके आपका m भी। तो इसी कीवर्ड पे आपको ध्यान देना,
कि जब भी किसी बॉडी पे इंपल्सिव फोर्स लग रहा होगा तो इंपल्सिव फोर्स बॉडी के मोमेंटम को ऑब्जर्व कैसे देगा, इसलिए आपका चेंज है। नॉन इंपल्सिव फोर्स भी चेंज कर सकता है ना, कर सकता है, लेकिन जो ये है ना कि प्राइम जो फोकस होता है, प्राइम फोकस में जो प्राइम इंस्टेंट हम कम लेते हैं ना वो भी चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन इंपल्सिव फोर्स का मेन एम जो होता है वो बॉडी को, क्योंकि फोर्स हम कंटिन्यूअसली लगाने का है, तो अगर एक्सटेंशन होगा भी तो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो हम इसमें किसकी बात करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। भाई जीरो मोमेंटम से किस इंस्टेंट में एम वी पे पहुंच गए, किसकी वजह से हो गया ये, ड्यू टू सम इंपल्सिव फोर्स। तो जो सारे फोर्सेज हैं, कोलिजन, एक्सप्लोजन, हैमर ब्लो, जो कि लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल में लगते हैं, इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव, और इंपल्सिव फोर्स हमेशा किसको चेंज करेगा, जैसे आपके मोमेंटम, राइट। तीन चीज आप, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे अब से पहले तक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, मैं इसकी बात करता हूँ। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, अचानक से मैंने फोर्स लगाया और हटा दिया, तो हम किसकी बात करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, है ना। दोनों चीजें वैसे इक्वलेंट ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। तो ये तो इंपल्सिव फोर्स हो गया। अब एक क्वांटिटी होती है इंपल्स, इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स अलग चीज है, इंपल्सिव फोर्स तो एक फोर्स ही, लेकिन हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे इंपल्स। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया मोमेंटम, कि भाई किसी बॉडी की जो मोमेंटम होगी, है ना, कि अगर हमने बात की वैसे कि आपके मोमेंटम की, मोमेंटम पी इज इक्वल टू जो होता है ये आपका हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, है ना, इससे वेक्टर क्वालिटी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की होगी वही किसकी होगी, मोमेंटम वेक्टर की। तो वैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं इम्पल्स, है ना, ये इम्पल्स क्या होता है, तो अगर उन इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वालिटी, और इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, कि जब फोर्स को हम टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी फोर्स लगा, जैसे आपने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स को जब आप टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टर्म आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके आपका इंपल्स, तो इंपल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा। अब आप यहां से देखो थोड़ा सा, अगर मैं जैसे मैंने बोला मोमेंटम तो पी इक्वल टू एम वी होता है, इंपल्स की वैल्यू होती है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, तो अब आपको ये जानना है कि इंपल्स होता किसके इक्वल, तो आप सिंपल सा ध्यान दो कि ये जो फोर्स है, हाँ, इस फोर्स को हम ले सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी हो गया। और अभी आपने पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स कि भाई वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं वी माइनस यू बाई टी, तो टाइम ड्यूरेशन अगर डेल्टा टी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वी माइनस यू बाई डेल्टा टी, समझ सकते हैं सर। तो आप क्या करो यहां से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट, सिंपल सा आपने बोला इंपल्स की वैल्यू होती है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने ये पुट कर, तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे अल्टीमेटली आपका ये आ गया एम इंटू वी माइनस यू बाई डेल्टा टी डेल्टा टी क्यों आया है नीचे इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, बेटा टाइम होता है ना, टाइम को हम कुछ भी ले सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन को डेल्टा टी से शो कर दिया, आप टी से शो करो, है ना, आप टी से भी कर सकते हो डेल्टा टी से, जो मर्जी लगा ना, अगर आप यहाँ पे टी लोगे यहाँ पे टी ले लोगे, अगर यहाँ डेल्टा टी ले रहे हो तो यहाँ पे डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी स्टैंड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ से डेल्टा टी वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ गया एम बी माइनस एम, सही हुआ म्यूटेड है कि अगर कोई बॉडी यहां पे थी, हाँ भाई किसी कोई बॉडी थी यहां पे, इसकी वेलोसिटी पहले सपोज आपकी यू, इसके बॉडी क्या थी वैसे कि आपकी यू थी, आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया इंपल्स, आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया इंपल्स, इंपल्स का मतलब हो जाएगा एफ इनटू डेल्टा, तो इंपल्स अप्लाई करने की वजह से जो बॉडी की वेलोसिटी एम मास की पहले यू थी, अब इसकी वेलोसिटी चेंज होकर बी होगी, ये तो हम बात कर रहे हैं,
मास था, अगर आपने इसके ऊपर इम्पल्स अप्लाई किया है ना, तो इसकी वेलोसिटी यू से क्या होगा, जैसे कि आपकी वी हो, वही आपने बोला इम्पल्स इज इक्वल टू होता है एफ इनटू डेल्टा टी, एफ की जगह पे एम ए, ए की जगह पे आपने ये पुट कर दिया तो ये वाला टर्म कैंसिल हो। अब आप देखो एम वी माइनस एम यू क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम ही तो है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पी एफ है ना, कि भाई m into v क्या हो जाएगा, जैसे आपका फाइनल मोमेंटम, और जो m into u हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम है। और देखो इंपल्स जो होता है वो किस चीज को चेंज करेगा, मोमेंटम, p फाइनल माइनस p इनिशियल आ गया, और p फाइनल माइनस p इनिशियल को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा, और डेल्टा p हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p क्या हो जाएगा, जैसे आपका चेंज इन मोमेंटम है। ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, भले ही मैं यहाँ पे कोई वेक्टर का साइन नहीं यूज कर रहा, आप ऐसे यूज कर लो, क्वांटिटी सारी वेक्टर है ना, p फाइनल माइनस p इनिशियल डेल्टा है। तो सिंपल से एक चीज आ गई कि जब भी किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए ना कि लार्ज अमाउंट का फोर्स स्मॉल इंटरवल के लिए एक्ट करे, तो उसी फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, और इम्पल्सिव फोर्स की वजह से जो इम्पल्स होगा वो हमेशा किस चीज को चेंज कर देगा, मोमेंटम। तो हम इसी चीज को एज अ लॉ लिखते हैं कि भाई हमने जो भी चीज यहाँ पे एनालाइज की है इसको हम एक नाम देते हैं, कि हम यहाँ पे एक नाम देंगे इम्पल्स मोमेंटम के, हम एक वर्ड यूज करते हैं। इम्पल्स फोर्स की वैल्यू कैसे आई, इम्पल्स की एफ इनटू डेल्टा टी होता है, वो डेफिनेशन है, इम्पल्स का मतलब ही वही, यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पल्स मोमेंटम के, उसकी डेफिनेशन है फोर्स इनटू डेल्टा, इसी को हम इंपल्स बोलते हैं। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये बोलता है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम। किसी बॉडी के ऊपर अगर इंपल्स लग रहा है तो बॉडी के वो किसको चेंज कर देगा, सकते आपके मोमेंटम है ना। मैथमेटिकली अगर लिखें तो मैं लिखूंगा इंपल्स जो होगा आई, ये इक्वल होगा एफ इनटू डेल्टा टी, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और ये हमेशा इक्वल हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये जो चीज होती है इसी को हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम, ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जैसे आपने सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा, वैसे भी इंपल्स मोमेंटम के लॉ, कि भाई किसी बॉडी में जब इंपल्स लगता है, इंपल्स का मतलब हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये बॉडी के किसको चेंज कर देगा, मोमेंटम, या मोमेंटम चेंज का मतलब हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये चीज मैंने डिराइव की भाई एफ इनटू डेल्टा टी से स्टेप वाइज हम इस पे और डेल्टा टी के इक्वल आ, तो इसी को हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई, और देखो कि इसको यूज होता है जैसे आप बॉल को कैच करते हो, अगर मैं यहाँ पे एक सिचुएशन ले लू कैचिंग ऑफ ए बॉल है ना, कैचिंग ऑफ ए बॉल, कि भाई कोई भी फील्डर है किसी बॉल को जब वो कैच कर रहा है, तो आप देखो बॉल को जब वो कैच करता है तो क्या होता है, बॉल उसके ऊपर, उसके पास एम मास की बॉल आती, इसकी वेलोसिटी कुछ यू सपोज है, उसके हैंड में स्ट्राइक करने से पहले, मैं इसके हैंड में लेने से पहले उसकी वेलोसिटी सपोज कुछ यू है, आपको जैसे ही वो कैच करेगा उसका पर्पज ये होता है कि एम मास की बॉल की वेलोसिटी को जीरो कर दे, है ना। मतलब एम आपके पास कोई बॉल आए, आप वी वेलोसिटी, यू वेलोसिटी से आ रही थी, आप उसकी वी को जीरो करना चाहते, तो मतलब आप उसके मोमेंटम को चेंज करना चाहते, तो मोमेंटम को चेंज करने का मतलब हो जाएगा इस केस में हम जब इस चीज पे अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया, जीरो करना चाहते हो आप उसे, और इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जैसे आपका एम यू, भाई एम यू मोमेंटम को एम यू से हम क्या करना चाहते हैं, जैसे आपका जीरो, और जब भी जीरो करना चाहेंगे तो एक आपको पता हैंड से कुछ फोर्स रहेगा इसको, है ना। तो आपके पास चॉइस है, एम यू से अगर जीरो करना है तो ये इक्वल होता है एफ इंटू डेल्टा टी, तो आप देखो कि आपके पास चॉइस है, आरएचएस साइड तो सेम ही रखना है भाई, एमयू से बॉल आई उसको जीरो करते हैं,
लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है इन दोनों के प्रोडक्ट में। अगर आप इसमें टाइम इंटरवल कम लोगे, हाथ सीधे लगा दिया, कॉन्टेक्ट टाइम कम कर दिया, इफ डेल्टा टी इज लेस, डेल्टा टी अगर लेस होगा तो एफ क्या होगा? अब देखो ये चीज तो सेम ही है, अगर हम टाइम ड्यूरेशन कम ले लें तो डेल्टा टी अगर लेस होगा एफ विल बी लार्ज, एफ विल बी क्या हो जाएगा? लार्ज। और एफ अगर लार्ज होगा तो बॉल आपके हाथ से स्ट्राइक करके बाहर निकल सकती है। आपने हमेशा देखा होगा कैच थोड़ी करते हैं, कैच करते हैं तो सीधे हाथ लगा दिया, आप सीधे हाथ लगाओगे मतलब आपने डेल्टा टी कम रखा कॉन्टेक्ट टाइम। अगर डेल्टा टी कॉन्टेक्ट टाइम कम है तो फोर्स की वैल्यू लार्ज होगी, तो फोर्स की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो सेम फोर्स से रिबाउंड करके वापस आएंगे तो हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कैचिंग में हमेशा क्या करते हैं कि कॉन्टेक्ट जैसे है तो हाथ को पीछे रखते हैं, बॉल के डायरेक्शन में हाथ को हम क्या लाते हैं जैसे कि आपका पीछे, तो उसको आप सक्सेसफुली कैच कर पाओगे। तो क्या पता है जैसे आप हाथ को पीछे ले आओगे है ना, तो जैसे आप हैंड को पीछे ले आओगे तो आपने क्या किया डेल्टा टी को लार्ज कर दी, इफ डेल्टा टी इज लार्ज देन एफ स्मॉल हो जाएगा, देन एफ क्या हो जाएगा जैसे कि आपका एफ विल बी स्मॉल, और एफ अगर स्मॉल होगा तो बॉल फिर रिबाउंड नहीं करेगी ना, कि आपके ऊपर थ्रस्ट फोर्स क्या रहेगा जैसे कि आपका कम रहेगा। मतलब वही है कि जब भी फोर्स को टाइम के साथ क्रिएट करना है तो हम जो टर्म यूज करते हैं उसकी कौन क्या होते हैं इंपल्स, जब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करना है तो उसको हम बोलते हैं वर्क, नहीं जब फोर्स को टाइम के साथ रिलेट करना है तो उसको हम क्या होते हैं जैसे कि आपका इंपल्स। तो इंपल्स इक्वल टू सिंपल सा है कि इंपल्स जो होगा ये हमेशा इक्वल होगा एफ इंटू डेल्टा टी के, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा डेल्टा टी। तो सेम मोमेंटम चेंज के लिए आपके पास दो चॉइस होती है, लार्ज फोर्स और स्मॉल टाइम, और स्मॉल फोर्स फॉर लार्ज, तो दोनों यूज करते हैं। जैसे बॉल की कैचिंग में आपने क्या किया, बॉल की कैचिंग में आपने जब बॉल को आप कैच कर रहे हो है ना, तो आपने क्या किया डेल्टा टी बढ़ा दिया, डेल्टा टी बढ़ा दिया तो फोर्स कम। लेकिन आपको पता है कि किसी अगर वॉल में मुझे हैमर से नेल पियर्स करना है, ये वॉल है आप हैमर ग्रो से इसमें नेल पियर्स करना चाहते हो तो आप थोड़ी करोगे, एक नेल लोगे और उसको धक्का दोगे हैमर से, तो धक्का दोगे तो कभी अंदर नहीं जाएगा। तो जब हम इससे किसी नेल को वॉल में पियर्स करना चाहते हैं है ना, तो उस केस में इसका उल्टा ले लेते हैं कि अचानक से हैमर ब्लो करेंगे, हैमर ब्लो करेंगे तो कॉन्टेक्ट टाइम कम हो जाएगा, तो कॉन्टेक्ट टाइम कम होगा तो फोर्स वैल्यू लार्ज लग जाएगी ना, तो वो आपको डिसाइड करना होगा कि मैं सेम मोमेंटम चेंज के लिए आपके पास चॉइस है स्मॉल फोर्स और लार्ज टाइम, या स्मॉल टाइम लेंगे तो फोर्स की वैल्यू लार्ज होगी, तो दोनों यूज करते हैं। कोई चीज है कि जब भी आप फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं तो जो टर्म यूज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं जैसे आपके इंपल्स, और इंपल्स हमेशा किसको चेंज करेगा मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन चेंज भी इसमें क्या होगी इनवॉल्व, ये वेक्टर क्वांटिटी अगर ये है तो इसमें डायरेक्शन चेंज भी क्या होगी इसकी आपकी इनवॉल्व। इससे अगर मैंने आपसे बोला ऐसे कि यहाँ पे इस तरह से कोई वॉल है, यहाँ पे कोई वॉल ले लिया ऐसे, यस दिस इज अ वॉल, और इससे कोई जाके बॉल स्ट्राइक करती है एम मास की बॉल स्ट्राइक करती है किसी यू से, यू से कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद ये रिबाउंड होती है, रिबाउंड होने के बाद इसकी वेलोसिटी वी, यू से कलेक्ट की और वी से वापस आती है। वापस बताया कि जब ये इस तरह से कॉन्टेक्ट में आएगी तो इसके ऊपर एक इम्पल्स लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा एक इम्पल्स है ना, इसके ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स रहेगा शॉर्ट टाइम के लिए। तो अगर इस केस में आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट इंपल्स एक्ट ऑन बॉल कि बॉल के ऊपर कितना इंपल्स एक्ट करे है ना, कि आपसे आई पूछ रही है ना, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे कुछ फोर्स रहेगा, लेकिन फोर्स कितना होगा ये तो आपको पता ही नहीं। एक बॉल आपने यू से वॉल पे स्ट्राइक की और बी से वापस आ गई, तो यू एंड बी तो आपको पता है, मास भी पता है, लेकिन हम ये टर्म नहीं जानते कि फोर्स कितना लग रहा है, लगेगा तो
एक लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम, एक कितना लगेगा हम वो नहीं जानते, फिर भी आपसे पूछा गया इम्पल्स कितना होगा, तो हम सिंपल थ्योरी यूज करेंगे कि इम्पल्स इज इक्वल टू जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। आप ध्यान दो, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद? माइनस एमयू, माइनस एमयू, ये सही है। माइनस के बाद एक और माइनस साइन, इनिशियल मोमेंटम में हम डायरेक्शन की वजह से, अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया दे, सर हम फाइनल मोमेंटम को भी तो नेगेटिव ले सकते थे। नहीं नहीं ले सकते, मतलब तो वो डिपेंड करता है, मैंने नॉर्मल जो हम एक्सेस लेते हैं ना वो एसी को पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मीडियम पॉजिटिव एक्सेस के अलावा जो चीज होती है पॉजिटिव, इसके अलावा भी है तो पॉजिटिव हो गया, तो फाइनल मोमेंटम एम हो गया। इनिशियल मोमेंटम उसके अपोजिट है, एक बीच में माइनस साइन तो वैसे ही होता है और एक और माइनस साइन है, सडन चीज में ये तो स्पेशल हो गया भाई, में ये चीज तो स्पेशल हो गया इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। अगर ये कॉन्स्टेंट कोई फोर्स लग रहा होता फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, आपने दीवार पे बॉल मारी, अब कितना फोर्स लग रहा है मुझे क्या, कितने टाइम पे लग रहा है अभी नहीं पता मुझे, कितने टाइम तक वो कॉन्टेक्ट में, लेकिन हम इम्पल्स निकाल सकते हैं, तो इम्पल्स जो भी होगा उसके इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम, तो चूंकि डायरेक्शन चेंज होगी इससे यहाँ पे साइन प्लस है, सर इसमें जो फोर्स होगा वो इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम होगा ना? हाँ, अगर फोर्स निकालना है तो इम्पल्स डिवाइड बाय टाइम होगा, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। यस सर, इम्पल्स को टाइम ड्यूरेशन डिवाइड करेंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा, कितना एवरेज फोर्स इसमें है, एवरेज फोर्स सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वही चीज है कि उसके लिए इम्पल्स आना, इम्पल्स हमने निकाल लिया है ना, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता, तो ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टूडेंट क्या करते हैं बीच में माइनस साइन छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और माइनस भी आएगा तो ना ऐड होगा, जब भी कोई चीज डायरेक्शन रिवर्स होती है तो एक्चुअली में वो चीज ऐड हो जाती है, जब डिफरेंस लेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी ऐड है ना, तो इस तरह से हमने इम्पल्स निकाली इसके ऊपर एक इतने अमाउंट का इम्पल्स होता है ना। और अगर मुझे निकालना है कि एवरेज फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, आप सही है, एक बार इम्पल्स आ गया एवरेज फोर्स की वैल्यू आपकी जो होगी वो आपकी इम्पल्स बाय डेल्टा टी, अगर टाइम ड्यूरेशन आपको पता है इंपल्स को टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज फोर्स आने, कितना एवरेज फोर्स इसके ऊपर एक्ट है वो सिंपल है, तो इसका सिंपल सर टोटल फोर्स क्यों नहीं आएगा सर, इधर एवरेज फोर्स टोटल फोर्स ही नहीं है, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस फोर्स हम नहीं बोल सकते ना सर, उसके लिए तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसलिए हम एवरेज बोल रहे हैं, जब भी कोई ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन होता है जो क्वांटिटी होती है वो एवरेज होती है, आप एवरेज लगा ये जो फोर्स है ये एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं, दिस इज योर एवरेज फोर्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहला इंस्टेंटेनियस फोर्स को नहीं सर, फिर जो इंपल्स होता है सर वो एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टाइम के बराबर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एवरेज फोर्स, अदरवाइज तो हम इसे इसको हम ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेट वगैरह है, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता हूँ लिखना, इसको मत लिखो आपको ये यूज सर, फिर एवरेज फोर्स पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, हां बोल सकते हैं, बोल सकते हैं वही चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भैया इंस्टेंटेनियस फोर्स को नहीं है, ये तो होता ही है ना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें सरप्राइजिंग ही क्या है, इसी को थोड़ा सा अलग से लिखेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ आ जाए भाई, यहीं पे अगर मैं ऐसा लिख दूं फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी में डेल्टा पी, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ भी जो फोर्स आता है वो एवरेज फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है ना, इंस्टेंटेनियस फोर्स तो हमसे डिफरेंशिएट करते हैं, मैं बताता हूँ ये जस्ट मैंने कर लिया अभी फिलहाल इसको कर दो, इंपल्स इज इक्वल टू दिस और ये किसके इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम, इसी में जो आप न्यूटन सेकंड लॉ का दूसरा स्टेटमेंट लिखते थे यही से लिख सकते हैं सर,
भाई न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये चीजें दोनों चीजें अलग थोड़ी है, दोनों सेम चीज है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यही चलेगा कि किसी की बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। इसी को तो हम न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं। ध्यान रखना ये जो नेट फोर्स था ना ये इस केस में भी एवरेज फोर्स, एवरेज नेट फोर्स के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंस्टेंटेनियस फोर्स की तब तो इसको डिफरेंशिएट करके निकालना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स, भाई किसी इंस्टेंट में कितना फोर्स एक्ट करेगा तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जी बहुत कम कर लेते हैं ना तो ये चीज जो होती है वो डी बाय डी। तो जब आप नाइन्थ में पढ़ रहे हो ना तो नाइन्थ में नॉर्मली हम इसी टर्म्स में लिखते हैं, ये चीज जब आप इलेवेंथ में आओगे तो डी बाय डी लिखते हो। भाई नाइन्थ में जब आप न्यूटन सेकंड लॉ के सेक्शन लिखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब नाइन्थ में पढ़ रहे हो तो नॉर्मली डेरिवेटिव वगैरह जब यूज नहीं करते, हम देखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा। यही जब इलेवेंथ में आप आओगे तो उसी को लिखेंगे डी बाय डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन अभी आप इस पे कर सकते हैं भाई नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा पी बाय डेल्टा पी। अब अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें कि नेट फोर्स कोई है ही नहीं, किसी सिस्टम में अगर मैं ऐसा बोलूं इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा पहले क्या डेल्टा टी के पहले क्या लिखा है सर इंस्टेंटेनियस फोर्स में, ये लिमिट बेटा अगर आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा तो नहीं जानू, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो अगर आपने कैलकुलस जब मैंने पढ़ाया था अगर आप नहीं जानते हो तो इसको नहीं समझ सकते, इसको मत अब्यूज करो इसी पर, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो जाएगा ना तो यही एवरेज फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। हम यहाँ बात करते हैं if net external force on a system is zero, फिर तो impulsive भी zero हो जाएगा, impulse zero हो जाएगा, system is zero, हाँ कि अगर किसी भी system में net external force अगर zero है, then momentum of system remains constant, then momentum of system remains constant. किसी भी सिस्टम में अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, कंजर्व का मतलब चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं यहां से भी लिखूं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स, अभी आपने बोला है कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा है ना तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, अगर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा पी जीरो होगा, और डेल्टा पी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है ना, डेल्टा पी जीरो होने का मतलब पी फाइनल की वैल्यू किसकी हो जाएगी, पी मींस मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो ये जो लॉ होता है इसको हम एक लॉ बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो मैंने पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है ये पूरी चीज देखो, तीन चीजें हैं, this statement is known as a impulse momentum theory, इसको हम क्या बोलते हैं impulse momentum theory, तीन formula इसमें है, किसी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे delta t को अगर हम नीचे ले जाएं that net is equal to rate of change of momentum, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड, और इसी में अगर f external की value zero तो momentum system का क्या रहेगा, conserved है। तो इसको एक लॉ को हम एक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन नेट इज इक्वल टू जीरो के बाद क्या लिखा है आपने सर, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो के बाद क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
अगर किसी केस में एफ नेट की वैल्यू जीरो हो तो एफ नेट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है ना, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जीरो हो जाए। अगर एफ नेट जीरो होगा तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जीरो हो जाए, और अगर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा पी जीरो होगा, और डेल्टा पी जीरो का डेल्टा पी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पी फाइनल किसके इक्वल हो जाएगा, पी इनिशियल, मतलब मोमेंटम चेंज मींस क्या रहेगा, कंजर्व। और इसी लॉ को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कोई भी अगर सिस्टम ऐसा है जिसपे की अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल हो सकता है, जीरो है, तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, आपका कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि जितना फाइनल मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा, जैसे कि आपका इनिशियल होगा। तो इसी लॉ को के ऊपर आपको फोकस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको बोलते हैं। तो ये भी एक फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कई जगह पे यूज होगा, जैसे कि हम होते हैं ना रिकॉयल ऑफ ए गन, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रिकॉयल ऑफ ए गन, रिकॉयल ऑफ ए गन क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कोई गन है, कोई भी इस तरह से आपने गन ले लिया ऐसे, है ना, इस गन का मास मैं लेता हूँ कैप्टन, और इसके अंदर जो बुलेट है ना, इसके अंदर जो बुलेट है इसका मास मैंने ले लिया स्मॉल, है इस तरह से गन है और बुलेट था, इसका मास मैंने ले लिया आपका स्मॉल। अब क्या करता हूँ मैं इसको फायर करता, तो फायर में एक्सप्लोजन होता है ना, तो एक्सप्लोजन में अचानक से लार्ज अमाउंट का फोर्स स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगा, तो क्या होगा, इस बुलेट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा एफ। लेकिन अगर बुलेट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो गन के ऊपर भी इक्वली फोर्स एक्ट करेगा, एक्शन रिएक्शन के, जितना फोर्स एक्सप्लोजन की वजह से बुलेट के ऊपर लगेगा उतना ही किसके ऊपर लगेगा, जैसे कि आपके गन के ऊपर। तो जैसे हम फायर करेंगे तो ये बुलेट जो होगी ना यहाँ से बाहर निकलेगी और इसकी वेलोसिटी कुछ यू हो जाएगी, तो अगर बुलेट आगे जाएगी तो ये गन भी किसी वीर से पीछे, इसी को हम बोलते हैं रिकॉयल ऑफ गन। जैसे आपने फायर किया एक एफ फोर्स उसके ऊपर लगा, एफ फोर्स गन के ऊपर भी लगेगा, तो बुलेट की रेंज अगर यू वेलोसिटी गेन की स्मॉल एम इसका मान है, मास है, तो ये भी कोई पीछे की तरफ बी वेलोसिटी गेन है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉयल फोर्स। तो मैं क्या करूंगा आपको ध्यान रखना, मैं कैसे एनालाइज करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर ये पूरा मेरा सिस्टम है गन प्लस बुलेट, सबसे पहले आप सिस्टम चूज करें कि आपका सिस्टम क्या है, सिस्टम इज गन प्लस बुलेट, दोनों को कंबाइंड सिस्टम लिया है। तो अब देखो गन एंड बुलेट को अगर सिस्टम ले रहे हैं तो एफ और एफ का इंटरनल फोर्स हो जाएगा भैया, एफ जो होगा इंटरनल हो जाएगा ना, ये जो एफ है ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, एक्सप्लोजन yes, जितना इसके ऊपर लग रहा है उतना इसके ऊपर पीछे लग रहा है, तो एक्सप्लोजन और फोर्स इंटरनल हो गया। हम बोलेंगे अगर ये फोर्स इंटरनल हो गया मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, एफ नेट जीरो हो गया, एफ नेट अगर जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल हो जाएगा, है ना। अब अपना ध्यान दो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल बात है। तो आप देखो इनिशियली मोमेंटम कितना था, बुलेट भी रस पे थी गन भी रस पे था, तो इनिशियल पूरे मोमेंटम सिस्टम का मोमेंटम कितना था, है ना, बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले गन भी रस पे थी बुलेट भी रस पे थी, तो फायर करने के पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो, हम ऐसा लिखेंगे बिफोर फायर, बिफोर फायर दोनों चीजें रस पे थी तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, आफ्टर फायर, After fire, P final. तो इसका momentum हो गया m into u, और इसका momentum हो गया minus m into capital. माइनस क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड है, आप अगर नहीं लोगे तो आंसर में नेगेटिव आ जाए, बात एक ही है। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर द फायर जीरो था, नेट फोर्स जीरो कैसे हो गया, तो क्या नेट फोर्स कैसे, किसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, सिस्टम के ऊपर,
कहाँ लग रहा है, जितना बुलेट के ऊपर एफ राइट वर्ड लग रहा है उतने ही गन के ऊपर एफ राइट वर्ड लग रहा है। तो अगर दोनों को हम सिस्टम ले लेंगे तो ये तो इंटरनल हो जाएगा ना, एक्सटर्नल होगा, ये तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा ना, एक्सप्लोजन वाला फोर्स इंटरनल हो जाएगा। सिस्टम अगर गन प्लस बुलेट है देन फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन विल बी इंटरनल, एक्सप्लोजन विल बी इंटरनल। ये फोर्स कौन सा हो जाएगा सर, आपका इंटरनल। अगर इंटरनल होगा ये जीरो, मैं मोमेंटम तो जरूर रहेगा, इनिशियल इतना है फाइनल इतना है, आपको होगा दोनों इक्वल है, दोनों अगर इक्वल होंगे तो इक्वल कर देते हैं, एम यू माइनस एम इंटू वी की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां से रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो जाएगी, इस गन की जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू जो होगी वो एम यू बाई कैपिटल एम है ना, इस वेलोसिटी से गन की शेयरिंग बन। तो ये इसमें स्टेप होता है कि आप पहले जो थ्रू सिस्टम किया उस सिस्टम में अगर नेट फोर्स जीरो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई इवेंट हो रहा होगा एक्सप्लोजन कोलिजन जंपिंग कुछ भी, पहले मोमेंटम कितना था, किसी केस में जीरो हो सकता है किसी केस में जीरो नहीं भी हो सकता, किस केस में रह सकता तो जीरो, फाइनल कितना था, अगर एफ नेट जीरो है तो दोनों इक्वल हो तो उससे रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से गन क्या होगी उसके आपके पीछे, क्योंकि गन हैवी होती है इसलिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी कम होगी, बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन रिक्वायर तो करता है वही, तो उसका मेन होता है कि उस रिक्वायर को हम हैंड से फोर्स लगा के उसको रोकते हैं, मैंने हैंड से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस रिक्वायर को क्या करते हैं और एब्जॉर्ब। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ, तो ये डिस्कशन आप यहाँ से ये चीज आ गई, ये चीज से पी इनिशियल किसके इक्वल हो गया पी, तो इसी के न्यूमेरिकल सब आपको सॉल्व, जिसमें कि तीन फॉर्मूले यूज होंगे, एक ये कंजर्वेशन और एक इम्पल्स मोमेंटम, एक चेंज यूज होगा कि आपके इम्पल्स मोमेंटम। तो आज मैं सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाने के लिए, सर हमने कैपिटल एम बी माइनस स्मॉल एम यू क्यों नहीं करा, क्या बताया आपने बेटा, क्या पूछ रहे हो बोला सर, कि कैपिटल एम बी माइनस स्मॉल एम, हां देखो हां कर सकते हैं, क्या होता है ना हम इस डायरेक्शन पर जो होता है ना जो राइट डायरेक्शन होता है उसको लीजिए पॉजिटिव लेके जाओ, वैसे आप उल्टा नहीं कर सकते, ये एक्स एक्सिस इसको मान के चलता है तो उसके अलॉन्ग जो चीज होती है पॉजिटिव होती है, उसके अपोजिट चीज नहीं लेके जाओ, वो कन्वेंशन हम फॉलो, आप उल्टा ले सकते। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एमयू बाई कैपिटल, जैसे को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड मस्टर, बहुत सारे चीजों के रिक्वायरिंग होते हैं, जैसे को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ। तो आज मेरा मूड सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाने का है, मैं चाहता हूँ कि अभी चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है ना, एटलीस्ट आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो, जैसे आपने किए होंगे लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार उसको कर लो, फिर मैं इसके हायर लेवल और क्वेश्चंस करूँगा, पहले एनसीईआरटी चीजें क्या होंगी कब है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते रहते हैं, स्कूल के एग्जामिनेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन वो नहीं करते, वो सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए, बीच बीच में मैं एनसीईआरटी लेते चलूंगा ताकि आप ऐसा नहीं कि उससे कुछ फिर बुरा, सारे में कंसेप्ट सेम यूज, तो वन बाई वन में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप अटेंड करो खुद ही समझ जाओ कैसे इस पर अटेंड, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट है ना, मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ है ना, जस्ट उसको आप सब कुछ बताऊंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा, सारा कुछ बताएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो क्वेश्चंस के थ्रू हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस पे, लॉज ऑफ मोशन बेसिक्स याद आ गया है ना। तो वन बाय वन मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा ट्राई करो, जरूरी नहीं उसमें मोमेंटम ही यूज होगा, एक एक करके सब चीजें आएंगी, फर्स्ट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
इसमें एफ इक्वल टू एम ए भी यूज हो सकता है. तो जो भी आपका करेक्ट आंसर आ रहा मुझे अब एनसीईआरटी के सॉल्व भी है अनसॉल्व भी सॉल्व भी होंगे अनसॉल्व भी. बाकी ये चैप्टर एनसीईआरटी से आपको डील करना है. Let's solve this question. Question number one. जो आंसर आ रहा मुझे बताओ व्हाट आंसर इज इट. सर इज माय आंसर करेक्ट अमन गुप्ता. हाँ सही है, सही आंसर. लेट मी चेक किसके किसके आंसर सही आ रहे हैं. आपके संस्कृति अक्षति योर आंसर इज करेक्ट एंड रिदम योर आंसर इज करेक्ट प्रणव योर आंसर इज करेक्ट अमन गुप्ता योर आंसर बिल्कुल सही आंसर. सही आंसर बताया आपने. युग शर्मा योर आंसर इज करेक्ट. मिशमी योर आंसर इज ना सही. हाँ अक्षर गुप्ता सही है. हाँ इसमें आप माइनस साइन जरूर लगाओ. बिल्कुल सही है, साइन हम माइनस लगाएंगे इसमें क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स नेगेटिव हो जाएगा ना. ब्रेकिंग फोर्स होगा वो क्या होगा सकते आपका डिस्कशन कर सकते हैं सर. या कोई कार थी अंशिका सही आंसर आपका. सबने सही है ना. आज एनसीईआरटी रिव्यू की क्लास है ना. आपको पता है कि पहले इसकी वेलोसिटी इतनी थी कि यू हो जाएगा. तो आपको पता है कि वी इक्वल टू यू प्लस एटी तो होता है. वी तो जीरो करना है. यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आप देखो है ना. यू की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका 30 कितना 30 मीटर पर सेकंड. 30 मीटर पर सेकंड ये आपका 30 आ गया प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आप क्या देगी है ना. एक्सेलरेशन की -7.5 मतलब उल्टा हो जाएगा. और फोर्स की वैल्यू जो होगी इसको फ्रिक्शन तो रोकेगा पीछे ब्रेकिंग फोर्स. जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मास इंपैक्ट. मास तो इसका 1000 है और एक्सेलरेशन नेगेटिव -7500. बस जस्ट आपने इक्वेशन यूज किया ये यूज किया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सबके आंसर सही थे. फ्रिक्शन कैसे निकलेगा. हाँ ऑलमोस्ट ठीक थे. -7500 इसका आंसर है. ठीक है ये हम कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन.
हाँ सबका, रिशित का सही था, अंशिका, शुभम, सबने सही आंसर दिया। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन? सर मेरा सही है सर, प्रणव। हाँ किसका? इस क्वेश्चन का अभी जो भेजा मैंने एग्जांपल 9.6। अच्छा अभी यस सर, अभी थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा अमन करेक्ट हो दी था, संस्कृति, अमन, तेजस, प्रणव, सबके आंसर सही है। रिदम राय, योर आंसर इज करेक्ट। मिश्मी, योर आंसर इज करेक्ट। सर इसका आंसर करेक्ट। क्या नाम है बेटा आपका? उदिता। उदिता आपका आंसर सही है ना? रिदम राय, योर आंसर इज करेक्ट सही। श्रेया गोयल, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है सही। सर मयंक, मयंक का भी आंसर सही। बुलेट पिस्टल का मास टूट गया है ना, तुम्हें क्या से -1.5 सही आंसर है। 1.5 या -1.5 बात एक ही होती है। आपका यहाँ 1.5 भी लिख सकते हो, -1.5 भी लिख सकते हो। कुछ भी आपका आंसर सही है। अगर आपने पहले डायरेक्शन ले लिया तो बाद में डायरेक्शन नहीं आई, अगर पहले डायरेक्शन नहीं लिया तो बाद में आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सही होते हैं, कुछ नहीं ऐसा है। अभी जो मैंने किया था, अगर पूरे को सिस्टम ले लू तो जो एक्सप्लोजन का फोर्स है वो तो इंटरनल हो जाएगा, मैं सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियली तो रेस्ट पे था, अब बुलेट का मोमेंटम 0.02 × 150। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट सोचते हैं ना कि भाई रिक्वायर पीछे होगा नहीं होगा पता नहीं, तो मैं यहाँ पे प्लस ही साइन ले लेता हूँ। प्लस साइन लूंगा तो 2 kg मास है इंटू बी हो गए, इनिशियल जीरो फाइनली हो जाएगा और इनिशियल फाइनल इक्वल होंगे। तो यहाँ से बी की वैल्यू आपकी जो आएगी वो -1.5 है ना। इस नेगेटिव का यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये हो गया, इट रिक्वायर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में रिक्वायर्ड। देखो दोनों डिफरेंस है, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है लेकिन रिक्वायर्ड स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि ये हैवी होता है ना, इसके हायर लेवल के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूंगा आपको ये बेसिक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर इसमें इंपल्सिव निकालना है? नहीं नहीं इसमें इंपल्सिव नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट ही लगता रहता है, बहुत देर तक लगता है, नॉन इंपल्सिव ही। Thank you.
लेट मी चेक द आंसर. सही है शुभम अग्रवाल, आपका आंसर मुझे खोलते ही दिख गया, सही था. शुभम अग्रवाल आंसर इज करेक्ट. संस्कृति जैन आंसर इज करेक्ट. विश्वित योर आंसर इज करेक्ट. विता योर आंसर इज करेक्ट. संस्कृति योर आंसर इज नाउ करेक्ट. यूनिट का ध्यान रखो बेटा, यूनिट जो बाकी लोग गलत आंसर दे रहे हैं ना, उन्होंने यूनिट सही नहीं ले रहे हैं. वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है. ओके सर. हाँ ध्यान रखना पड़ेगा ना, ग्राफ में क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड थोड़ी दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड. हाँ आप सही आ गया, आप सही आ गया. हाँ सही है अमन गुप्ता, आपका आंसर सही है, सभी का सही है, एकदम राय है ना, सही है आंसर. हाँ सही आंसर ठीक है. युग शर्मा योर आंसर इज करेक्ट. वही ध्यान रखना ग्राफ को सही से रीड करते हैं. यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से 10 सेकंड में जीरो हो गया. ठीक क्वेश्चन पे यहाँ पे हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये 10 सेकंड के बाद इसकी वी जीरो है. तो इसमें जस्ट फोर्स के बारे में पूछ रहा है, वह इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा. ये फ्रिक्शन तो नॉन इंपल्सिव ही कांस्टेंट लग रहा है ना, तो इसमें मोमेंटम वगैरह यूज नहीं होगा. बट सिंपल सा हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज कर लेंगे. आपको क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v जीरो हो गया, u आपका था 20 सेंटीमीटर पर, तो 20 को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस a ये तो निकालना है मुझे कितना लगा टाइम आपका 10 सेकंड है, टाइम कितना लगेगा जैसे कि आपका 10 सेकंड. यहां से ए की वैल्यू जो होगी वो 0.04 मीटर नेगेटिव, और फोर्स इज इक्वल टू मास इन एक्सेलरेशन. मास इसने 20 ग्राम दिया हुआ है, मतलब 0.02 केजी हो जाएगा, इनटू ये आपका हो गया माइनस 0.02 मीटर. अल्टीमेटली आपका आंसर जो हो जाएगा माइनस 0.004 न्यूटन फोर्स. इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको सॉल्व. अल्टीमेटली आपका आंसर ये आ गया ठीक है ना, 0.304 जस्ट आपने इसमें यूज कर, सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सर मतलब अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया क्या चीज, सर मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खत्म हो गया, अब हम अगली बार बस मुझे एक बार हायर लेवल ब्रश अप करवाना है, बस पूरे सिलेबस का हायर लेवल ब्रश अप की जरूरत है, बस थ्योरेटिकली सारा कुछ खत्म हो गया है ना, एक हायर लेवल ब्रश अप करवाना है मुझे बस आज, क्योंकि मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूँ जानबूझ के है ना. चलो तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. फिर तो एनसीईआरटी की बुक में भी है ना. हाँ सारे एनसीईआरटी बुक में, फिर भी सॉल्व करवा, फिर भी सॉल्व, आज एनसीईआरटी की बुक पूरी करवानी है. नेक्स्ट क्लास में फिर नॉन एनसीईआरटी में लूंगा, पूरे एनसीईआरटी को खत्म कराने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो.
जंपिंग में भी जो फोर्स होता है वो इम्पल्सिव ही होता है. जो ड्यूरिंग द जंपिंग लगता है फोर्स, वो भी कौन सा होता है? इम्पल्सिव होता है. सही आंसर किसने लिखा था? अभी किसी ने सही आंसर लिखा था? आपको सबको याद है इनसे अभी क्वेश्चन? हाँ सही आंसर है, सबके आंसर सही है. मेरे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं करते आप लोग. देखो सबके आंसर सही आ रहे हैं. 4.65 सबके आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है ना. बिल्कुल सही आंसर 4.65 आप सही था, है ना. एक गर्ल थी, इसका वेट इसने बोला हुआ है. गर्ल का जो वेट है वो है 40 kg. हाँ 40 kg इसका मास है और ये 5 m/s से जा रही है. इसके ऊपर जंप कर गई तो जंप करने के बाद ये कितनी वेलोसिटी से पूरा सिस्टम आगे जाता है, ये बता, है ना. और जो ये कार्ट है, इस कार्ट का मास भी आपको दिया हुआ है ना. कार्ट का जो मास है वो 3 kg है ना. तो जस्ट हमें बोलेंगे कि अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना. मतलब मोमेंटम बिफोर जंप हम लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर जंप. बिफोर जंप जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 40 × 5. फिर कार्ड को रेस्ट पे तब कार्ड का मोमेंटम जीरो हो जाएगा. मोमेंटम आफ्टर जंप, जंप में जो फोर्स है वो एक्सटर्नल नहीं इंटरनल. मोमेंटम आफ्टर जंप, ये आपको हो जाएगा पी फाइनल. पी फाइनल आप देखो कि आप दोनों का वेट आ जाएंगे ना. 4 kg का गर्ल भी है और 3 kg का कार्ड भी है. 4 + 3 4 kg + 3 kg आपकी अच्छा ये 40 हो जाएगा. सॉरी 4 kg नहीं 40 kg. 40 kg तो 43 हो जाएगा. और इनिशियल और फाइनल सेम होंगे. तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 200 × 4. मोमेंटम पहले निकालो बाद में निकालो अपने आप. तो सही आंसर सबने भेजा. 200/43 होना चाहिए. 43 सही है. 200/43 तो लिखा है. वो 3 है. 47 लग रहा है. ना 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 200/43. ज्यादा घसीटा मार दिया. हां तो सही आंसर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सर थोड़े हार्ड क्वेश्चन दे सकते हो? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पहले कर लो थोड़ा सा आसान वाले, फिर हार्ड भी करूंगा. वेट फॉर सम टाइम, देखो मेरा एक सिस्टम है ना उससे मैं करवाता हूँ. उसको वायलेट करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना. उस सिस्टम को वायलेट मत करो. You can go for this question.
मैं करवाऊंगा इसके हर लेवल क्वेश्चंस, लेकिन अब पहले इसको कर लेते हैं। इसमें आंसर करेक्ट है अमन गुप्ता। मैं देखता हूँ अभी देखता हूँ। अभी देखता हूँ मैं किसके किसके आंसर करेक्ट है नहीं। हाँ संस्कृति जैन योर ऑल आंसर सर करेक्ट। कुछ आपका एक्सेशन का आंसर सही है। मयंक सही है आपका आंसर। सात्विक सही आंसर है। अमन गुप्ता आपका फोर्स वाला आंसर सही है ना। निगम राय आपका आंसर सही है ना। प्रणव सही आंसर है आपका सही। अरे यूनिट यूनिट ध्यान रखो शुभम। मोमेंटम की यूनिट केजी मीटर होती है, न्यूटन थोड़ी होती है। मोमेंटम की यूनिट केजी मीटर होती है। मास इनटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकंड। सही है सुमैया सही है आपका आंसर है। एक्सटेंशन की वैल्यू हाँ सही है। खुशी सही आंसर है। एक्सटेंशन भी सही आंसर है। तेजस भी सही है। सही है सही लगा ठीक है सबका आंसर सही है ना। Is my answers are correct? Question. Yes, Maya or Raman Gupta. Sahi answer. पहले मूव कर रही थी 19 किलोमीटर पर आवर। मेंस 25 हो जाएगा ना। अभी किससे मूव कर लेंगे दोबारा 18 25। सर इज माय आंसर करेक्ट अमन गुप्ता। अभी देखता हूँ जब कोई थ्री पार्ट हो तो एक साथ भेजा करो मतलब बार में फिर मैं चेक नहीं करता। देखते हैं हाँ सही आंसर है अनन्या आपके आंसर सही है। युग शर्मा आपके सभी आंसर सही है ना। सही है अमन गुप्ता आपका आंसर। ये चलो मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा ध्यान देना। इसमें मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको। मैं क्यों क्या है इसकी पहले इसकी 25 मीटर पर सेकंड थी 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो जाएगा 1200 केजी वेट था और लॉस्ट इज स्लोड डाउन 18 किलोमीटर पर आवर में स्पाइक हो गया इन 4 सेकंड। इसने पूछा है कि ए की वैल्यू कितनी है तो ये निकाल ले क्या बी इक्वल टू यू प्लस ए से। बी तो आपका हो गया 5 जो आपका था 25 है ना प्लस ए इनटू टाइम की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो -5 मीटर पर सेकंड। पहला आंसर तो आ गया। इसके बाद चेंज इन मोमेंटम
हम इसमें क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? 1200 इनटू 5। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? 1200 इनटू 20। इस पूरे से 1200 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे 5 माइनस 25 तो ये आपका आ गया माइनस 24। और यूनिट ध्यान रखना केजी मीटर पर सेकंड, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये चेंज इन मोमेंटम होगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब आपके पास ट्वाइस है, आपको बोला गया कि फोर्स कितना लग रहा है, तो चाहे तो आप फोर्स इक्वल टू ये लिख लो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका है 1200 और एक्सेलरेशन है माइनस फाइव, माइनस फाइव। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 6000 न्यूटन। ये आप यहाँ से निकाल लो, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी तो होता है, फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। दोनों चीजें एक ही तो होती है ना, डेल्टा पी की वैल्यू माइनस 24000 आपने निकाला, फाइव टाइम आपका फोर सेकेंड, फोर्स निकाल के फिर मोमेंटम भी तो निकाल सकते थे। सही बात है, इन्होंने सही बोला है कि अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो फोर्स वहां से निकालो और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। फोर्स अगर वहां से आपको 6000 आ गया तो टाइम 4 सेकंड से मल्टीप्लाई करके चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ये आपको कर देंगे। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही आंसर बता देते थे सारे आप लोग। ये मेरे ख्याल से एडिशनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, एडिशनल एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। चलो और देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर क्रूशियल बचा हुआ है तो इसको थोड़ा रिवाइज करके आओगे तब फिर आगे आप हायर लेवल पढ़ पाओगे। हाँ एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फाइव वैगन है ना इसमें, अच्छा इंजन इतना लगा रहा है फोर्स। अरे यूनिट तो सही लिखो अमन, यूनिट तो गलत नहीं होना चाहिए ना, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तीनों का एक साथ आंसर भेजना बेटा, ऐसे आप कार्ड पे भेजते हो तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, तीनों जो क्वेश्चन है उसके एक साथ भेजो, कार्ड पे करोगे तो इंटरेस्ट नहीं कर पाऊंगा।
सही क्वेश्चन है ये भी। एक एक पार्ट में सब लोग गड़बड़ कर रहे हो है ना। सही सही है, फर्स्ट पार्ट का तो सही आंसर आ रहा है। उत्कर्ष कुमार आपका एक्सटेंशन का आंसर भी सही है। खुशी आपका ए पार्ट सही है, बाकी पार्ट सही नहीं है। सब एक ही गलती कर रहे हैं, वही गलती नहीं करनी है। उत्कर्ष कुमार आपके दो पार्ट सही है। हम इंजन का वेट भी गिन रहे हैं ना, इंजन का वेट। हाँ गलती से आप इंजन का वेट भी ले रहे हो ना, उसको नहीं लेना है। यस सर, उसको नहीं लेना, वही तो क्वेश्चन है ये पूरा, वही तो क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन गलत निकाल रहे हो इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से इसको करेक्ट कर लेना। आप स्कूल में कहाँ पहुंच गए अभी? स्कूल में कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं आपके? सर ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया। स्कूल में तो ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया। साउंड का सर, साउंड और मोशन दोनों कंप्लीट हो गए हैं सर स्कूल में। हम भी करवा सर। हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे? नेक्स्ट ग्रेविटेशन। ओके सर, ग्रेविटेशन कर लेंगे। ग्रेविटेशन कर लेंगे सर। अभी स्कूल के एग्जाम शुरू होने वाले। उदिता सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ क्या बोल रहे बेटा? सर अभी स्कूल के एग्जाम शुरू होने वाले, तो फिर सब पेस की क्लासेस अभी बंद नहीं होंगी? देखते हैं कैसा होता है यार। संस्कृति जीवन, योर आंसर इज करेक्ट। नीले एक पार्ट आपका सही है, बाकी पार्ट युग शर्मा आपका भी एक पार्ट सही है, वही गड़बड़ कर रहे हैं सारे। सर इसमें आंसर करेक्ट है रमन गुप्ता। अभी देखता हूँ। हाँ सही है सर। लास्ट वाले में तो फिर वही करना होगा ना, फर्स्ट वैगन का वेट लेना होगा। हाँ मैं देखता हूँ, देखो क्या होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको क्वेश्चन को जरूर से देखना, ऐसा नहीं कहीं भागने की जल्दबाजी करना, कहीं नहीं जाना, रखते रहना है ना। मैं इस क्वेश्चन को प्लॉट करके अच्छे से बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व। इंजन है ना, और इस तरह से कुछ उसके बैठे तीन चार और पांच ना, इंजन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फाइव है ना। क्या कर सकते तो ये बोल रहा है कि इंजन पुश पे पुल द फाइव वैगन इज ऑफ 2000, इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। अगर मैं 40,000 न्यूटन कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा इस जगह पे। वह इंजन जो फोर्स लगा रहा है इस वैगन के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, जो 40,000 न्यूटन होगा वो यहाँ है, और पूरे ट्रैक की जो फ्रिक्शन है पीछे रहेगी, और पूरे ट्रैक की फ्रिक्शन सारी मिला के पीछे की तरफ जो होगी वो इसने बोला है 5,000 न्यूटन। तो पहला पार्ट तो एकदम आसान है, सभी ने सही बोला है कि व्हाट इज द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। भाई सिस्टम में व्हाट इज द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो आपका हो जाएगा 40,000 है ना माइनस 5,000, ये आपका हो जाएगा 35,000। ये नेट अनबैलेंस फोर्स होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। अब लेकिन जब आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू होता है नेट अनबैलेंस फोर्स बाय मास। अब मास हम किसका लेंगे? आप देखो इंजन का मास थोड़ी लोगे, आप तो वैगन की बात करोगे ना, इन पांचों को सिस्टम ले लो। इसको इंजन से क्या मतलब है, क्योंकि इंजन ही तो यहाँ पे पुलिंग फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से आगे जा रहा है। वेट ऑफ इंजन खाली कंफ्यूजन के लिए दे रखा था क्या चीज? हाँ इंजन का वेट ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाने के लिए ताकि आपका आंसर गलत है। नेट फोर्स इस केस में आप निकाल चुके हो 35,000। अब जब मास लोगे तो ये सिर्फ 5 वेगन का है, 5 वैगन्स, एक का मास 2000 है, यहाँ पे 10,000, यहाँ से ये कैंसिल,
आपका आंसर 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड पार्ट हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये, फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू, कि वैगन वन और टू के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो आप सिस्टम इस चारों को ले लो पीछे वालों को, तभी तो यहाँ पे टेंशन आएगी। तीन फोर्स वन और टू के बीच में जो मास एक्सेलरेशन देगा पीछे की चारों को आप सिस्टम ले लो और फिर अप्लाई करूंगा। तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो टेंशन इधर तीन रहेगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका इसका चारों का होगा, तो इन चारों का मास तो सिंपल से आपके इनटू एक्सेलरेशन 3.5। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सभी आपका 26,000। आपको तो वन और टू के बीच में निकालना था ना, तो आप सिस्टम आपने इस पीछे पूरे को लेंगे। वन और टू के बीच में फोर्स निकालना है ना, तो वन को लेंगे पर तो ये फोर्स इंटरनल है। वन के पीछे जितने वैगन थे उसको आपने सिस्टम, वही चीज सिस्टम क्या होता है, सिस्टम पहले मैं लिया था पूरे को उसमें इंजन नहीं था, फिर जब इन दोनों के बीच में अगर मुझे फोर्स निकालना है तो अगर आप पूरे को सिस्टम ले लूंगा फिर तो इंटरनल हो जाएगा, तो आपको इसके पीछे की चीज को सिस्टम। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास चारों का मीटर। एक बार एनसीईआरटी भी ठीक से कवर कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, ये दोनों चीजें करके आओ तब फिर हाई लेवल क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। अदरवाइज तो क्या होगा, नहीं हाई लेवल होते रहेंगे इधर छोटे छोटे क्वेश्चन। आपको सबसे पहले खत्म करना है एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल, ये दोनों कम्प्लीट करो नेक्स्ट क्लास, फिर मैं इसके हायर लेवल रिव्यू करवाऊंगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ग्रेजुएशन। नेक्स्ट चैप्टर आपके ग्रेजुएशन। दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर। नाइस डे सर, नाइस डे सर, थैंक यू सर, बाय बाय, बाय बाय। हां मेरा सर एंड करने का है।